चैनल रिया ज्योति और मैं हूँ ज्योति। कैसे हो आप सब गाइस? तो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यू ऑल वर सेफ। वेल, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए सम वियर्ड प्रोडक्ट की रिव्यू लेकर के आई हूँ मैं। तो आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को। सो गाइस, तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट के रिव्यू देखे हैं, मैंने देखे हैं कि ये जो है बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। तो मैंने मंगाया है सैसिलेक एसिड आइसक्रीम मास्क, जो कि मतलब इसको लगाने के बाद आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये जो है आपके स्किन पे बिल्कुल मैजिक की तरह काम करेगा। आपको मतलब जितने भी ये प्रोडक्ट है ना, वो सब इसके सामने फेल है। मैंने इतने सारे इसके जो है रिव्यू देखे हैं, वायरल प्रोडक्ट की मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है जो बिल्कुल मैजिक सा काम करता है। तो इसको मैंने सोचा चलो इतनी अच्छी जब प्रोडक्ट है तो क्यों ना ट्राई किया जाए। वैसे तो मेरे स्किन पे कोई भी टचवुड, मेरे स्किन पे कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे पोर्स की प्रॉब्लम है या फिर मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम है, रेडनेस की प्रॉब्लम है, तो अभी तो मुझे नहीं है। बट मुझे डर लग रहा है कि कहीं इसको लगाने के बाद मेरे स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये प्रोडक्ट जो है मेड इन चाइना है। अब इसको लगाने के बाद मेरे स्किन की क्या हालत होने वाली है वो मुझे नहीं पता। तो सो गाइस, ये प्रोडक्ट कैसा दिखता है, क्या है इसके अंदर, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने छोटी सी ट्यूब मंगवाई थी क्योंकि यार पैसे तो फालतू का वेस्ट हो जाएगा ना अगर ये प्रोडक्ट है। तो इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ और टच वुड देखती हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो। तो सबसे पहले तो अपने फेस से मैं ये सारा क्लीन कर देती हूँ। सो गाइस, तो मैंने फेस पे कोई भी मेकअप नहीं लगाया है और आज आप जो है एक मैजिक, एक जादू होते हुए देखोगे। तो चलिए हम भी आपको जादू दिखाते हैं, मैजिकल, लेट्स सी कि क्या होता है। तो इसको मैंने ओपन किया। ये कुछ इस तरह का जो है जेल बेस ये दिख रहा है, ये देख सकते हो आप। किसी भी तरह की आर्टिफिशियल मुझे इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो सबसे पहले मैं अप्लाई कर ले रही हूँ अपने हैंड पे कि क्या है। अगर मैं बात करूँ ना, तो इसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है कि इसके अंदर क्या है, नहीं है, इसको कितनी देर लगा के रखना है, कैसे लगा के रखना है, इसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है। तो वीडियो में मैंने इतने सारे वीडियो में देखे हैं, तो उसमें है कि 30 मिनट्स तक आप अप्लाई इसको आपको फेस में लगाना है। इसके बाद जो इसके सामने इतने महंगे महंगे जो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, जो फेस के गड्ढों को भरते हैं, आपके पिंपल्स को ठीक करते हैं, रेडनेस को ठीक करते हैं, वो सब इसके सामने जो है फेल है। बस ये आज क्रीम को मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी और ऐसा मैजिक होगा ना कि आप सारी चीजों को भूल जाओगे। कर लिया है ये मास्क एज ए डेमो के लिए। तो अभी बस मुझे 30 मिनट्स वेट करने हैं। मास्क है ना, ये बिल्कुल जेल बेस का मास्क है और इसमें जो है कुछ भी मुझे जो है कुछ फ्रेग्रेंस कुछ भी नहीं है, कुछ भी आर्टिफिशियल इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है। बट इसमें लगा लिया है सैलिकैलिक ये एसिड मास्क, आइसक्रीम मास्क। तो अभी मैं अगर बताऊँ ना कि मेरा कुछ एक्सपीरियंस, तो इसको लगाने के बाद मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। तो अभी हम आधे घंटे का वेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट होता है। खाने वाली हूँ अभी, फेस से जो है मेरे पर्दा उठने वाला है, ये है ना, ये मैजिक देखने के लिए। तो चलिए हम जो है धीरे धीरे करके मैं आपको अपना फेस रिवील करती हूँ और देखते हैं कि 30 मिनट में क्या हुआ हमारे फेस के साथ। Oh, no. गॉड, इतने सारे डर्ट है ना मेरे फेस में, ये देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है कितने सारे ब्लैक हेड, कितने सारे डर्ट निकले हैं मेरे फेस से, ये देख सकते हो आप, इतने सारे है ना। कितना मैजिकल क्रीम है, इसने तो एक बार में ही, इतने सालों से मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और इतने सालों से मैंने इतने सारे फेस वॉश फालतू में ही बर्बाद कर दिए,
क्योंकि यही एक काफी था जो तो मेरे इतने सालों की डर्ट, इतने सालों की जो है मेरे ओपन पोर्स को, मेरी सारी प्रॉब्लम को इसने बिल्कुल ठीक कर दिया एकदम अंदर से। ये जो है ना कुरेद कुरेद के इसने मेरे डर्ट को निकाल दिए हैं। ये देख लो यार, फालतू का मैंने इतने फेस वॉश ये सब में अच्छे अच्छे फेस वॉश में वेस्ट करते हैं, इतने सारे DIY किया, बस इसी को लगा लेना चाहिए था। तो कुछ काश मैं ऐसा कह पाती कि ये इसने कुछ ऐसा कमाल किया है, बट अफसोस की बात कि इसने कुछ ऐसी बात नहीं किया, कुछ भी इसने ऐसा मैजिक, कुछ भी इसने ऐसा मैजिकल नहीं किया। 30 मिनट्स हो चुके हैं, अब मेरे फेस पे क्या है, ये सब क्या है ना, ये आपको दिख रहा है ना, तो ये सब ना गाइस, ये सब मैंने अजवाइन लगा रखा है। तो ये लोग जो है वही फोटोशॉप करके उसमें एडिटिंग वगैरह करके कुछ इस तरह से आपको दिखाते हैं कि आपके फेस से तुरंत पिंपल गायब हो जाते हैं, इसको एडिटिंग कर देते हैं, क्योंकि एडिटिंग करके तो आजकल सब कुछ पाया जा सकता है। तो बस ये दिखाते हैं ताकि जो है वीडियो जो है अट्रैक्टिव लगे और आप उसको फॉलो करो, बट कुछ भी इससे नहीं हुआ। तो अभी मैं इसको क्लीन करके आप एक वाइप से दिखा रही हूँ। फॉल्स है ये सारी चीजें, प्रोडक्ट फेक है ये प्रोडक्ट सारे। तो प्लीज आप इसको बाय मत करना, अगर किसी को चाहिए तो वो आप मेरे से ही ले जाओ, वो मैं आपको दे दूंगी ऐसे ही। तो ऐसी कोई भी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो 30 मिनट्स में आपके ब्लैक हेड को ठीक कर देगी, आपके जो है गड्ढे वगैरह रेडनेस को ठीक कर देगी, आपके गड्ढों को भर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं क्लीन कर ले रही हूँ और ये बिल्कुल अजवाइन है। तो फाइनली मैंने अपने सारे फेस को क्लीन कर लिया। अभी मैं बताती हूँ इसको लगाने के बाद का मेरा एक्सपीरियंस। इसको लगाने के बाद मेरे फेस में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी ग्लो नहीं आया, कुछ नहीं था। ये जो है ना वो ऑलरेडी मेरा पहले से ही है, ऐसी स्किन मेरे फेस पे ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना पिंपल्स की प्रॉब्लम है, ना रेडनेस की प्रॉब्लम है। अब इसको लगाने के बाद पता नहीं इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो तो कल तक ही पता चलेंगे। बट इसको लगाने के बाद मेरे फेस में ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। इसको लगाने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरे फेस में कि बस हल्की हल्की सी थोड़ी थोड़ी सी ये ठंडक देता है, बिल्कुल मतलब माइल्ड सा ठंडक देता है। अगर फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो फ्रेग्रेंस इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता ये 30 मिनट्स के अंदर। ये मास्क जो है बिल्कुल फेक है, बेकार है, इसको डालो डब्बे में, कचरे के डब्बे में। और प्लीज इसमें अपने पैसे को वेस्ट ना करें। तो ये और ये ऐसी कोई भी वीडियो पे यकीन ना करें, ये सारी जो वीडियो होती है वो फेक वीडियो होती है। तो बस गाइज कुछ ये था मेरा आज के प्रोडक्ट रिव्यू, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।